आपको लिए चलेंगे रायगढ़, जहां पर वज़ीर-ए-आला रेलवे शेख रशीद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उस पर स्टे हुआ है, इंशाल्लाह वकेट होगा। मजदूर ही मजदूर का दुश्मन है। पहली दफ़ा एक नौकरी भी रेलवे में पैसों पे नहीं बिकी। कैबिनेट का फैसला कुरानंदाजी, इस्टेब्लिशमेंट का फैसला उस पर हो रही है। मैं जुमे का दिन है और 10,000 निकालने लगा हूँ, और जब ML1 शुरू होगा, आज मैंने मीटिंग की है रेलवे के अफसरों को, मजदूरों को मैं क्रेडिट देता हूँ। एक साल में हमने ML1 का PC1 मुकम्मल कर लिया। 1800 किलोमीटर का चप्पा चप्पा एक एक ब्रिज, ये सारे रेलवे क्रॉसिंग ख़त्म हो जाएंगे, ये सारे अंडरवे ख़त्म हो जाएंगे। और मैंने कहा था कि 5 साल में टारगेट अचीव करूंगा। आज मैं एक बड़े बड़े इज्तमा की दरसगाह की तरफ जा रहा हूं। हमने आज और कल फ्रेट में अपना टारगेट अचीव कर लिया है। हम 16 ट्रेनों पर पहुँच गए हैं 7-8 से। हमने 38 नई ट्रेनें चलाई हैं, 138 हो गई। इंशाल्लाह कोचिस आ गए तो 150 करूंगा। जिन लोगों के दिल में गुबार उठ रहा है कि रेलवे क्यों चल रही है और छोटे मोटे हादसात, 138 ट्रेनें हमने चलाई हैं, 138 ट्रेनें चल रही हैं। और दुनिया में, मैं रुक के कह रहा हूं, दुनिया में पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जहाँ पैसेंजर ट्रेन भी नफ़े में चल रही है और फ्रेट ट्रेन भी नफ़े में हो गई है। ये मेरा 5 साल का टारगेट था जो हमने एक साल में अचीव किया है। और अगर पैसेंजर ट्रेनें आ गई तो 138 को 150 करूंगा और 16 ट्रेनें 5 साल में फ्रेट जो है, क्योंकि मैंने टारगेट अचीव कर लिया है, कोशिश करूंगा ये 20 हो जाएं। और अल्लाह के हुक्म से इस रेलवे का खसारा ख़त्म करूंगा अगर अल्लाह को मंजूर हुआ। और अल्लाह के हुक्म से जब ML1 चलेगा, ML1 का मतलब है मेन लाइन कराची से ले कर पेशावर तक, 160 किलोमीटर की रफ्तार से जब ट्रेन चलेगी, लाहौर से 8 घंटे में पहुंचेंगे कराची लोग, तो इस मुल्क की इकानमी बढ़ेगी, तरक्की बढ़ेगी। इसका सारा क्रेडिट रेलवे के मजदूरों को जाता है। और TLA के जो इस महीने कंफर्म हो जाने थे, क्योंकि स्टे हो गया है, ये सारे 3,000 मुलाजिम जो हैं मैंने इसी 7,000 में कवर कर लिए थे। अब वो जब तक स्टे आर्डर का फैसला नहीं होता, वो कवर नहीं हो सक रहे। सो मजदूर ही मजदूर का दुश्मन है, गरीब। जी जी, देखें, इल्ज़ाम लगाने, ये मैं इसका जवाब दुनिया पे दे चुका हूँ। 500 कुछ जो नौकरियाँ हैं उसमें, अब आपने सवाल किया, 40-42% रेलवे के मजदूरों को, के बच्चों को मिलती है। 20% जो है वो रेलवे के मजदूरों के बच्चों को, 10% एक्स सर्विस मैन को, 10% में 5% जो हैं मिनार्टी और डिसेबल लोग। अल्लाह की तरफ से पहली दफ़ा पिंडी का स्टेशन और पिंडी की कॉलोनियाँ मेरे हल्के में नहीं है। हाई कोर्ट में जवाब जाएगा तो नंबर वाइज शिनाख्ती कार्ड नंबर के साथ जाएगा। और जो पिंडी की 500, 600 या 700 नौकरियाँ हैं, उसमें सरगोदा शामिल है, मियाँ वाली शामिल है, जेलम शामिल है, उसमें सारा टैक्सला, आज़ाद कश्मीर, मुजफ्फराबाद।